जनाबे मंसूर अहमद संधू साहब को भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा खड़े होकर। जनाबे मंसूर अहमद संधू साहेब, मंसूर अहमद संधू साहेब, जनाबे मंसूर अहमद संधू साहेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल मोहम्मद अली वडैच साहब, नहायत काबिल इज़्ज़त असातिज़ा कराम और मेरे होनहार तालिबे इल्म, आप सब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। गुजारिश ये है कि बड़ी खुशी होती है जब भी किसी गवर्नमेंट स्कूल में हम आते हैं और तलबा की जो कारकर्दगी है उसके बारे में हमें पता लगता है, क्योंकि इस मुल्क की जो अक्सरियत जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और कोई भी अवामी नुमाइंदा हो उसकी ये मैं समझता हूँ कि अवलीन फर्ज कि जो सरकार के बनाए गए स्कूल हैं उनमें आला से आला मियारी तालीम लोगों तक पहुँचे। उसकी वजह यह है कि तालीम ही वो बुनियादी हथियार जिससे कोई भी शख्स अपने वसाइल को बेशक एक साइड पर रख दे उससे अपने ना सिर्फ खानदान की बल्कि अपने माशरे की किस्मत बदल सकता है। मैं खुद अपने खानदान की मिसाल देता हूँ तब अक्सर कि सिर्फ और सिर्फ मेरा कोई ताल्लुक ना किसी जागीरदार या सरमायादार खानदान से नहीं, सिर्फ एक मुतवस तबके के काश्तकार होने के नाते तालीम का वो हथियार था जिसने मेरे बुजुर्गों को इस मकाम तक पहुंचाया। और मैं हमेशा इस बात का ख्वाहिशमंद रहता था कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनमें बेहतरीन तालीमी मियार होना चाहिए ताकि ये जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये वो माशरे का हिस्सा हैं जिसको मैं समझता हूँ कि तालीम की अशद ज़रूरत, ना सिर्फ इसलिए कि माशरे में वो एक बेहतर रोल प्ले कर सके, इस मुल्क की बागडोर संभाल सके, बल्कि अपने जो ख़ानदानी मामलात और अपने घर के मसाइल भी हल कर सके। इसलिए जहाँ तक मैं अपनी बात कर सकता हूँ अपने बुजुर्गों की बात कर सकता हूँ, हमेशा मेरे बुजुर्गों की ये कोशिश रही है कि अपने हलके के अंदर जहाँ से हमें लोगों ने मुंतखब किया है वहाँ पे अवलीन तरजीह जो है वो तालीम को दी है। इस सिलसिले में हमने लातादाद स्कूल्स को अपग्रेड भी करवाया और फुल्लरवान में डिग्री कॉलेज भी बनाया और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी उस वक्त इस इलेक्शन कम्पेन के दौरान जब एक बच्चा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फुल्लरवान से पढ़ के एक इकट्ठ में उसने तकरीर की और मैं उसकी खुद एतमादी देख के हैरान रह गया। मैंने साफ तौर से पूछा कि बच्चा किधर पढ़ता है तो उन्होंने बताया कि जो तैयार संधू साहब ने डिग्री कॉलेज बनाया था ये उधर से पढ़ा हुआ बच्चा। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा मेरे खानदान के लिए मेरे लिए फख्र की बात कोई नहीं हो सकती कि जब हम देखते हैं कि जो पौधा मेरे बुजुर्गों ने लगाया था उसकी छांव तले इतने लोग निकले हैं जो इस मुल्क में अपना किरदार अदा करेंगे आने वाले वक्त। जहाँ तक इस स्कूल की बात है, मैं मिनिस्टर साहब भी इधर बैठे हैं, मैं भी यहाँ पर सिर्फ इसलिए तशरीफ लेके आया हूँ कि आप लोगों के जो मुतालबे हैं वो हम आपसे सुने और उनके लिए कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला जो आपकी ज़रूरियात हैं, सेब साहब बैठे हैं, मैं इधर हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि हमने कोशिश की आपके मामला हल करने के लिए।